नमस्कार, मैं संदीप सिंह पखाड़ा। आप देख रहे हैं आधार न्यूज हरियाणा। भाई, हम हर रोज जो है इस जिस तरीके से आदमपुर का रण चल रहा है उसका विश्लेषण करते हैं, और आज फिर से आज की क्या अपडेट है वो आपको बता रहे हैं। और आज क्या रहा पूरे दिन में, आज चुनावी इस रण में क्या कुछ रहा, क्या जोड़ हुआ, क्या घटा हुआ, वो सब जो है आपको बताया जाएगा। तो आज शुरुआत करते हैं बीजेपी पार्टी से, उसमें क्या रहा, और फिर जो है कांग्रेस और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और इनेलो, सब क्या जो है विश्लेषण आज बताया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं कांग्रेस से ही। हमारे साथ में हमारे सहयोगी मनदीप जी भी मौजूद हैं। मनदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। सर, आज जिस तरीके से देखने को मिला कि कुलदीप बिश्नोई ने कई जगह पर जनसभाएं की हैं, आज तीसरा दिन उनका जनसभा का रहा, और उस दौरान जब बात की जाए तो एक गांव में वहां गए तो उनका काफी विरोध उस गांव में हुआ। हालांकि स्वागत भी हुआ लेकिन विरोध ज्यादा हुआ। काले झंडे उनको दिखाए गए और वहां पर किरण चौधरी जी को, सॉरी उनकी वाइफ जो है रेणुका जी, रेणुका बिश्नोई जी को रोक भी दिया गया। क्या कुछ कहेंगे इसको? सर देखिए, मुझे जहां तक, मैं इस चुनाव में मैं भी घूम रहा हूं, आप भी घूम रहे हैं, पूरी टीम हमारी लगी हुई है, तो आप मुझे तो ये लगता है कि ये चुनाव एक मुद्दा विहीन और पक्ष विहीन, और कोई इसके अंदर कोई मुद्दे नहीं है चुनाव के अंदर। लोग सभी उम्मीदवारों को देख चुके हैं पहले भी लगभग, क्योंकि सभी लोग, जैसे मान लीजिए कूड़ाराम नंबरदार इनेलो से हैं, वो 2000 में हविपा से चुनाव लड़ चुके हैं। जयप्रकाश पहले कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं 2009 में। उसके अलावा सत्येंद्र सिंह 2014 में कांग्रेस से चुनाव लड़ चुके हैं। और जबकि कुलदीप बिश्नोई भजनलाल परिवार का कोई भी सदस्य हो, वो लगातार एमएलए बनते आ रहे हैं। तो जनता को ये लगता है कि ये कई जगह हमने देखा कि सभी कैंडिडेट्स का ही विरोध है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है वो इस कारण हो रहा है कि खैरमपुर के अंदर स्कूल बंद कर दिया गया है, और वहां के जो गरीब और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चे अब कहाँ पढ़ेंगे, हम कहाँ पर फीस भरेंगे इतनी महंगी प्राइवेट स्कूलों की। तो इसके कारण विरोध है। कुछ टीजीटी के अभ्यर्थी भी आए हुए थे, वो भी कुलदीप बिश्नोई से मिले, वो भी भाजपा से नाराज नजर आ रहे थे। तो मुझे तो ये लगता है कि भाजपा को नाराज लोगों को मनाने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, और बड़ी मुश्किल उनके लिए ये घड़ी आती जा रही है, क्योंकि वो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि हमारा अभेद किला है, हमारा परिवार है, तो लोग उनसे नाराज हैं। हालांकि जो उनके वोटर हैं वो भी बोल रहे हैं कि भाई हम वोट तो दे देंगे, भजनलाल जी ने काम किए थे, भजनलाल जी ने हमें रोजगार दिया था, लेकिन आज सड़कों का बुरा हाल है, सीवर व्यवस्था अस्त व्यस्त है, बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, खेतों में पानी नहीं है, और जिन खेतों में पानी है वो ओवरफ्लो हो रखे हैं, वहां पे सेम ग्रस्त वहां पे हो गया, वहां फसलें जो कपास की खराब हो गई है। तो ये प्रकार, इस प्रकार का जो विरोध है, और इस प्रकार का जो लोगों का जो क्या कहते हैं कि विरोध, लोगों का विरोध और लोगों के सवालों की झड़ी का सामना करना पड़ेगा कुलदीप बिश्नोई को भी, भव्य बिश्नोई को भी, रेणुका बिश्नोई को भी, और भारतीय जनता पार्टी को भी। और जहां तक हम बात करते हैं बाल संबंध की, तो बाल, पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, खैरमपुर की जो बात अभी चल रही थी, खैरमपुर में जो विरोध हुआ, काले झंडे कुलदीप बिश्नोई को दिखाए गए, और ये बात जो है मीडिया में भी काफी चर्चा में रही, और पूरा दिन जो है कल के अखबारों में भी ये सुर्खियां बनने वाली हैं। तो क्या लगता है कि जहां पर एक तरफ से उनका स्वागत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ काले झंडे दिखाकर उनका विरोध भी किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि कुलदीप बिश्नोई से अभी भी लोग नाराज हैं? जी बिल्कुल, कुलदीप बिश्नोई से नाराज है, इसीलिए उन्होंने, मुझे तो ये लगता है कि शायद इसीलिए उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा, और ताकि अपने भव्य बिश्नोई अपने बेटे को भी स्थापित कर दे, और जो मुझसे लोग नाराज हैं वो भव्य का चेहरा देखकर, एक नया चेहरा देखकर, पहली बार आदमपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे तो जो विरोध है, जो नाराजगी है वो दूर हो जाए। लेकिन ऐसे नाराजगी दूर नहीं होती है, आपको स्वयं लोगों को मनाना पड़ेगा। जहां तक लोग आपसे बहुत ज्यादा नाराज हैं, और अगर आप उनको नहीं मनाते हैं तो आपको भारी खामियाजा भारतीय जनता पार्टी भजनलाल परिवार को भुगतना पड़ेगा। बात की जाए तो सर, अभी समय आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी भी आज लगातार कई जगह पर उन्होंने सभाएं की हैं, तो क्या लगता है उनका आज का जो चुनावी रण है किस तरीके का रहा, क्या कुछ उसमें जोड़ तोड़ रहा या कुछ क्या कुछ रहा? हालांकि अपने गांव में उन्होंने जो जनसभा की, वहां लोगों की देखा जाए तो वो लोग मुट्ठी भर ही थे, मुट्ठी भर की बात की जाए 20-30 लोग, 50 लोग से ऊपर ज्यादा नहीं थे। क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि जहां तक बात है आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का एक बहुत बड़ा पूरे हरियाणा का कैडर, दिल्ली से लोग आए हुए हैं, लगा हुआ है, यूं हुजूम लग रहा है, यूं लग रहा है कि बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वो लोकल लोगों को नहीं जोड़ेंगे, आज आप यहां पर अगर गुजरात के मुख्यमंत्री को लाकर, या यूपी के मुख्यमंत्री को लाकर, या किसी और अन्य मुख्यमंत्री को, या बड़े लीडर्स को लाकर दूसरे स्टेट के आप यहां ले आओगे, तो उससे आपको वोट नहीं मिलने वाले हैं। वोट आपको दिलवाएंगे जो आपके स्थानीय पदाधिकारी हैं, जो आपके स्थानीय कार्यकर्ता हैं,
उनकी रिश्तेदारियां हैं, उनकी जानकारियां हैं और जो फील्ड में उन्होंने काम किया है लोगों के लिए उसके फलस्वरूप आपको वोट मिलेगा। तो आम आदमी पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि लोकल लोगों को ज्यादा ड्यूटी में लगाएं, उनके साथ अपनी नीतियों का प्रचार प्रसार करने के लिए बड़े नेताओं को लगाएं। बिल्कुल, मैं एक बार बीच में आपको रोकना चाहूंगा सर। पहले हम जो बात है कि मुद्दे की, जिस तरीके से आज उनका वहां पर लोग जो है सभा में बहुत कम थे, तो इस पर आपका क्या कहना है? अंदरून खाते में बात की जाए तो लोगों से हमने बातचीत भी की, तो लोग नाराज नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग हैं जो परिवार के लगाए या जो भी वहां गांव के लोग हैं वो सतेंद्र जी से नाराज है, खैरमपुर गांव के जी, नहीं वो गांव न्योली खुर्द में गांव, इसलिए गांव के लोग इसलिए भी नाराज है कि एक पानी का डिग्गी थी, उसके कारण वो पानी की डिग्गी कहते हैं कि लोगों ने बताया था, हमने सर्वे भी किया था, वहां पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी जानी थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई ये सत्येंद्र सिंह जी ने अपने प्रभाव से वो डिग्गी बंद करवा दी, तो इस कारण से भी लोग उनसे नाराज है। उसके अलावा कि लोगों ने कोई काम नहीं किया है वहां पे, लोगों का कोई उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, लोगों के साथ नहीं जुड़े, तो इस कारण भी लोग उनसे क्षुब्ध हैं। तो इस कारण उनको ये देखना पड़ेगा कि अगर लोगों को अपने साथ जोड़ना है तो ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़कर और उनकी नाराजगी दूर करनी पड़ेगी। जहां भी आप देखो हर कैंडिडेट से मतदाता नाराज है, डिससैटिस्फाइड है और उनको लाइक नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव के अंदर उभर कर आ रहा है। बिल्कुल, दो चीजें साफ हो रही हैं, कुलदीप बिश्नोई से लोगों की नाराजगी है और साथ में सत्येंद्र सिंह जो उनके खुद के गांव में न्योली खुर्द में अभी भी नाराजगी बनी हुई है। तो इसी दौरान जो हम बात करते हैं तीसरी पार्टी की, जो कि इस समय कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी के बारे में सर, जिस तरीके से आज दीपेंद्र हुड्डा यहां पर आए और वो कहीं ना कहीं आज जिस तरीके से बालसमंद गांव में आज वो वहां गए हैं जनसभा करके, कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का वोट बैंक था उसे लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोड़ाराम जो है वो काफी मजबूत है वहां पर और वो कहीं ना कहीं वोट बैंक वहां खिसकता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसे संभालने के लिए लगी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, कोड़ाराम नंबरदार जिन्होंने किसान संघर्ष समिति की अगुवाई की और वहां पर जब पानी की समस्या हुई जिसके अंदर 22-23 गांव जो बालसमंद मंडल के थे, आदमपुर विधानसभा में आते हैं, और 16-17 गांव नलवा हलके के थे, उन सब का उन्होंने बहुत अच्छे से प्रतिनिधित्व किया। एक सामान्य आदमी है, कृषक वर्ग से संबंध रखते हैं, मजदूर की बात करते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो कोड़ाराम नंबरदार और INLD दूसरे जगहों पर नजर नहीं आ रही है। अब जैसे अभय सिंह चौटाला के आज दौरे हुए हैं तो उनको पूरे हलके में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी, अपने पूरे काडर को लगाना पड़ेगा और तभी उनको वो मजबूत स्थिति में आ सकते हैं। खाली बालसमंद के भरोसे, अगर बालसमंद के 11,340 वोट पूरे के पूरे भी इनको मिल जाए तो भी जीत निश्चित नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूं कि उन्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, कोड़ाराम जी के लिए सबसे बड़ी सवाल ये है कि वो केवल और केवल फोकस कर रहे हैं बालसमंद एरिया में, हालांकि केवल हार जीत जो है वो केवल बालसमंद पे नहीं, और भी गांव जो डिपेंड है उन पर भी फोकस करना होगा, आदमपुर में तो कहूं पूरे आदमपुर पर फोकस करके चलना होगा, तभी जो है आगे जीत हो पाएगी। कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, कांग्रेस किस तरफ जा रही है आज? देखिए कांग्रेस जो है अभी कांग्रेस इस हिसाब से काम कर रही है कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जिस स्ट्रेटेजी से इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं उनकी स्ट्रेटेजी काम कर रही है। सारे MLAs जो हैं कांग्रेस के, किरण चौधरी को छोड़ के बाकी सब तकरीबन मैदान में हैं, काम करना चाह रहे हैं और लोग आए हैं। आज सभा भी हुई मुख्य चुनाव कार्यालय आदमपुर में उनकी, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें अभी तक जब से लोग और विपक्षी आरोप लगा रहे थे कि उदयभान जी को वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, हमने उदय मतलब दीपेंद्र हुड्डा के भाषण में ये भी देखा कि उन्होंने उनको पूरी तवज्जो दी, उनके पिताजी का, उनके दादाजी का सारा संघर्ष उन्होंने बताया। लेकिन कांग्रेस को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि 2009 के बाद 2022 आज आ गया है, 13 साल हो गए जयप्रकाश हल्के में नहीं आए और उन्होंने कोई संपर्क नहीं रखा। उसके अलावा कुछ उनके ऊपर आर्थिक देनदारियों के आरोप भी लग रहे हैं, जनता भी लगा रही है, विपक्षी भी लगा रहे हैं, ये भी हमें देखना, ये भी एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। उसके अलावा कांग्रेस के संगठन को इकट्ठा करके, क्योंकि कांग्रेस जहां भी देखो हुड्डा कांग्रेस, किरण कांग्रेस, जब कुलदीप बिश्नोई थे तो कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस, अजय यादव कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस, फला कांग्रेस, अलग अलग गुटों में बटी हुई है, तो उन सबको इकट्ठा करके, एकजुट करके जयप्रकाश के समर्थन में काम करना पड़ेगा। और जब तक ये लोग इकट्ठा होकर काम नहीं करेंगे इनको वांछित परिणाम नहीं मिलने वाले हैं। मैं तो ये कहूंगा कि हालांकि कांग्रेस का काफी बड़ा संगठन है और कांग्रेस ही मुख्य मुकाबले में है, आप इसको तिकोना मुकाबला बनाने में लगी हुई है, लेकिन अब देखना यह है कि आप बाजी मारती है या कांग्रेस बाजी मारती है। दोनों अपने सिरे से प्रयास कर रही है, उनके सारे जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, अब लग गए हैं मैदान में, तो अब देखना होगा कौन बनाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात और सामने आई इसी दौरान, दीपेंद्र हुड्डा जो है
वो उन्होंने एक बात कही कि भाई जिस तरीके से जो कार्यकर्ता है वो मुझे मेरे पास आने की बजाय वो वहां फील्ड में काम कीजिए, क्योंकि बहुत से नेता जो हैं वो उन्हें खुश करने में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनकी चापलूसी में लगे हुए हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भाई जिनकी ड्यूटियां जहां लगाई गई हैं वहां काम कीजिए। हालांकि दीपेंद्र हुड्डा आज खुद आदमपुर क्षेत्र में गए हैं, वो आदमपुर क्षेत्र की जनता को फिर से मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि करुणा राम के समर्थन में जाने के बाद उनको ये लग रहा है कि आदमपुर क्षेत्र जो है वो उनसे जो है जी उनसे कहीं ना कहीं खिसकता हुआ जा रहा है। इसी दौरान एक बात और सामने आ रही है, एक नया मोर्चा भी यानी जन कल्याण मोर्चा जो है वो भी एक सामने आ रहा है। उन्होंने जो है एक महाराज जी हैं, उन्होंने एक कैंडिडेट को उतारा है और जो है सीसवाल गांव से वो कैंडिडेट उन्होंने उतारा है। वो चाहते हैं कि जनता के बीच में वो कैंडिडेट जो है वो कहीं ना कहीं वो भी पहुंचे और उसकी भी आवाज सुनाई जाए और वोट जो है उन्हें भी मिले। हालांकि सीसवाल गांव से है, सीसवाल गांव को एक बड़ा गांव माना जाता है और उस गांव में जो है वोटों की संख्या लगभग 7-8 हजार के करीब है। नहीं ज्यादा है, ज्यादा है सर, 11 हजार के करीब, 14-15 हजार। दो पंचायतें हैं, 13 हजार वोट है वहां पर और वहां के कैंडिडेट को उतारा गया है। बाबा जसमेर सिंह है ये और ये जींद से संबंध रखते हैं और इनके साथ भी काफी बड़ा वर्ग जुड़ा हुआ है और उनका बड़ा ही ओजस्वी भाषण देते हैं। तो देखना है कि वो मैदान को किस प्रकार रोचक बनाते हैं, इस चुनावी मैदान को, इस चुनावी रण को, ये भी देखना बाकी है। क्योंकि वो भी अपने दल बल सहित अपने पूरे संगठन के साथ जो उनके फॉलोअर्स हैं पूरे हरियाणा में, दिल्ली में, पंचकुला में, वो सब आ गए हैं यहाँ पर मैदान में और काफी जोर शोर से वो भी प्रचार कर रहे हैं। तो वो जितना भी वोट लेंगे वो नुकसान अल्टीमेट कुलदीप बिश्नोई और कांग्रेस को ही होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक महत्वपूर्ण चर्चा आप पे हुई और इसका निचोड़ जो है, ये निष्कर्ष ये निकला कि जो है लोगों की नाराजगी, जी हाँ, कुलदीप के प्रति लोगों की नाराजगी आज देखने को मिली खैरमपुर गांव में, वो देखने को मिली। वहीं पर दूसरी तरफ जो है खैरमपुर के अलावा एक सारंगपुर में कुछ लोग जो अभी भी नाराज है वहां पर भी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं पर सत्येंद्र के गांव में वहां पर भी जो है न्योली खुर्द गांव में वहां पर भी लोग इतने इकट्ठा नहीं हुए, वहां पर भी कहीं ना कहीं कमियां नजर आई। और बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी में सभी जो है अपने बड़े नेताओं की चापलूसी में लगे हुए हैं, ये बातें सामने आई। और कहीं ना कहीं अभी भी वहां पर एकता के साथ काम नहीं हो पा रहा, ये भी बात सामने आई। और बात की जाए कोड़ा राम जी की, तो वो केवल अपने गांव और अपने एरिया में फोकस कर रहे हैं, बाकी क्षेत्रों में उनकी कमी जो है कहीं ना कहीं वो एक बड़ी कमी रह रही है। और बात की जाए महाराज जी की पार्टी, तो वो अपने क्षेत्र से निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट, वीडियो को शेयर करते रहें, दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे नई ताजा अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।